बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला। स्टूडेंट, इन लास्ट लेसन वी हैव डिस्कस ऑल द स्टेटमेंट विच आर मेंशन इन योर बुक, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोग्राम ऑफ योर एक्सरसाइज, दैट इज़ प्रोग्राम नंबर 9, एंड दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम। दे आर वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 वैल्यूज, ठीक है? यानी कि उन्होंने कहा है कि रीड करेगा 10 वैल्यूज स्पेसिफाई इन डेटा स्टेटमेंट। यानी कि उन्होंने हमें स्पेसिफाई कर दिया कि हमने क्या यूज़ करना है, रीड डेटा स्टेटमेंट यूज़ करना है, ठीक है? हमने ये रीड डेटा स्टेटमेंट पढ़ी हुई है लास्ट लेसन में, ठीक है? एंड डिस्प्ले द सम ऑफ दीज नंबर ऑन स्क्रीन, और हमें इनका सम कहाँ करना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। अब हम ये प्रोग्राम बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लाइन नंबर 10 देंगे, लाइन नंबर 10 पर ऑटो हम जैसे ही राइट करेंगे तो वो लाइन नंबर 10 आ जाएगी। जब भी हमें प्रोग्राम आएगा तो हमने हमेशा क्या करना है, हमने हमेशा लाइन नंबर से स्टार्ट करना है। लाइन नंबर 10 पर हम देंगे रीड, ठीक है? हम यहाँ पर देंगे रीड के कीवर्ड देंगे, और रीड में हमें कितने प्रोग्राम इस पर देने हैं, 10 वैल्यूज़ देने हैं। हम 10 वेरिएबल्स देते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वेरिएबल्स आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10 वैल्यूज़ देनी है। तो 10 वैल्यूज़ के लिए हमें क्या चाहिए होगी, 10 वेरिएबल्स चाहिए होंगी। रीड में हमने वेरिएबल्स राइट करते हैं, उसके बाद इन वेरिएबल्स को हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो हम सम कैसे लाएँ, फाइंड आउट करेंगे, सम हम फाइंड आउट करेंगे, सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि इन तमाम वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये आपने तमाम वेरिएबल को प्लस कर दिया, एंड डिस्प्ले देम, ठीक है? डिस्प्ले भी करना है अब हमने सम को। अब हम सम को डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे प्रिंट सम, राइट? अब हमने रीड तो दे दिया, रीड के साथ हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट आती है, रीड डेटा। तो हम लाइन नंबर 40 पर इनका डेटा राइट कर लेते हैं, डेटा। अब डेटा में क्या होगा, जितने यहाँ पर वेरिएबल्स होंगी उतने ही यहाँ पर हमने वैल्यूज़ देनी होंगी। कितने वेरिएबल थे, 10 वेरिएबल। तो हम रैंडमली कोई भी नंबर दे देते हैं, हम 10 मार्क्स 10 नंबर्स दे देंगे, 4 5 6 8 1 2 3 9 4, ठीक है? अब जब यहाँ पर क्या होगा, और लाइन नंबर 50 पर हम अपना प्रोग्राम को कर देते हैं एंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जीक्यूट कैसे होगा कि जैसे ही वो रीड में यहाँ पर 10 वेरिएबल्स मिलेंगे, तो वो रीड से यहाँ पर प्रोग्राम जंप करके कहाँ पर आ जाएगा, वो लाइन नंबर 40 पर आएगा, और वो क्या करेगा, ए के अंदर स्टोर करवा लेगा 4, बी में 5, सी में 6। इस तरह वो हर एक वेरिएबल में वो नंबर क्या करवा लेगा, स्टोर्ड। स्टोर्ड करवाने के बाद वो अगेन लाइन नंबर 20 पर आकर सम इक्वल टू उन तमाम नंबर को यहाँ पर प्लस कर देगा, और जो प्लस करके वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर करवा देगा, सम में। और 30 पर करेगा प्रिंट सम, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, रवाइन। तो ये हमारे पास प्रोग्राम नंबर 9 था, ये उसका आपके पास प्रोग्राम आ गया, ठीक है? स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास एक और प्रोग्राम है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 9, ठीक है? अब हमने ज़रा इस प्रोग्राम को आप गौर से देखिएगा, इसमें ना बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमने सेपरेटली सॉल्व करने हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क फॉर अ नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। यहाँ तक हम ब्रेकअप कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, कि पहले हम इतना प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। जब भी बात आस्क की आएगी तो इट्स मीन कि दे आर आस्किंग अबाउट द इनपुट, कि हमने इनपुट लेना है किसका, नेम का, रोल नंबर का, क्लास का और सेक्शन का। पहले हम यहाँ तक प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम जब भी लाइन नंबर 10 पर आ जाएंगे हम, ठीक है, लाइन नंबर 10 पर सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है कि हमने प्रोग्राम का नेम, हमने इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने का मेथड क्या है, इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, एंटर, इन्वर्टेड कॉमास में वही एज इट इज़ मैसेज टाइप हो जाएगा, एंटर योर नेम,
ठीक है, इसका सिंटेक्स याद रखिएगा कि हम क्या लगाएंगे, इन्वर्टिस कॉमास लगाएंगे, ठीक है, सेमी कॉलन और फिर सेमी कॉलन हमेशा आएगा, ठीक है, हम और सेमी कॉलन के बाद हम नेम दे देंगे। ये नेम हमारे पास क्या होगा, ये नेम हमारे पास होगा उसका वेरिएबल, ठीक है। लाइन नंबर 20 पर आ जाएंगे, अगेन हम इनपुट लेंगे, इनपुट इन्वर्टिस कॉमास, अब हमने क्या लेना है, रोल नंबर। अब यहाँ पर मुझे यह बात याद रखिएगा कि जब भी हम कोई भी इनपुट लेंगे स्ट्रिंग का, तो जो हम वेरिएबल लेंगे उसके साथ हम लगाएंगे डॉलर साइन। अब मैं आपको बता दूँ स्ट्रिंग का क्या होता है। देखिए, जब भी यूज़र कोई नंबर देता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि अगर यूज़र कोई ABCD की फॉर्मेट में, यानी कि कोई स्ट्रिंग, ये ABCD हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेट में कोई भी डेटा देता है, तो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू कहलाती है। और जब हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर्ड करवाना होता है, तो हम हमेशा वेरिएबल के साथ क्या लगाते हैं, डॉलर साइन। यानी कि अगर मुझे यूज़र से कोई भी स्ट्रिंग चाहिए होगा, तो मैं जब उसका वेरिएबल बुलाऊंगी तो साथ में क्या लगाऊंगी, मैं डॉलर साइन। अब मुझे इनपुट चाहिए रोल नंबर का। अब रोल नंबर क्या स्ट्रिंग में होता है, वो तो न्यूमेरिक में होता है, तो हम जब यहाँ पर एंटर मैसेज टाइप करने के बाद एंटर योर रोल नंबर ये लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब हम इसका वेरिएबल बनाएंगे तो हम रोल नंबर, ये सिंपल, ठीक है, इसके आगे हमें स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि रोल नंबर होता है वो नंबर्स में आएगा, ठीक है। तो जब न्यूमेरिक वेरिएबल बनाएंगे तो वो सिंपल आपके पास आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं क्लास, ठीक है, इनपुट ले लेंगे हम क्या लिखेंगे, एंटर योर क्लास। अब क्लास किस में होती है, न्यूमेरिक में होती है कि स्ट्रिंग में होती है, न्यूमेरिक होती है, तो हम न्यूमेरिक के लिए भी जो वेरिएबल बनाएंगे वो सिंपल क्या लिखेंगे, क्लास। उसके बाद कह रहे हैं इनपुट ले सेक्शन का, तो सेक्शन मुझे बताएं किस में होता है, सेक्शन होता है अल्फ़ाबेट में, हम लिखेंगे एंटर योर सेक्शन, ठीक है, इन्वर्टिस कॉमा क्लोज सेमी कॉलर। अब मुझे बताएं सेक्शन किस में होता है, न्यूमेरिक में होता है कि स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन येलो ब्लू, इस तरह ही हमारे पास सेक्शंस होते हैं ना, तो ये जो सेक्शन का इनपुट जाएगा ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग में होगा। तो हम इसके साथ जब इसका वेरिएबल बनाएंगे, हम इसका वेरिएबल बना देते हैं सेक्शन, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, डॉलर साइन। ये हमारा वहाँ तक पार्ट सॉल्व हो गया। हम दोबारा देखते हैं अपने प्रोग्राम को। ये हमने इनपुट ले लिया, नेम भी ले लिया, रोल नंबर भी ले लिया, क्लास भी ले लिया और सेक्शन भी ले लिया। अब हमने क्या लें, एंड मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब उन्होंने हमें कह दिया है कि डिफरेंट सब्जेक्ट, अब ये हमारी मर्जी है कि हम कितने सब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि टोटल मार्क्स 850 होंगे। 850 के हिसाब से हम 5 कोई भी सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, और इसके लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं ENG का। वेरिएबल हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, सिंगल लेटर भी हो सकता है, पूरा इंग्लिश भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैं इसके साथ डॉलर साइन नहीं लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये भी जो मार्क्स होंगे वो भी किस में होंगे, नंबर्स में होंगे, तो इसलिए इसके साथ डॉलर साइन नहीं लगेगा। लाइन नंबर 60 पर करेंगे हम इनपुट एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, ठीक है, और यहाँ पर मैथ लिख देते हैं। 70 लाइन नंबर पर क्या करेंगे, इनपुट एंटर द मार्क्स ऑफ, अब किसके मार्क्स ले लेते हैं, हम उर्दू के ले लेते हैं, ठीक है, उर्दू, और इसका हम वेरिएबल बनाते हैं उर्दू। अब देखिए इनके सबके साथ मैं डॉलर साइन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये सब इनपुट जाएंगे मेरे पास नंबर्स में। लाइन नंबर 80 पर मैं कहती हूँ इनपुट एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और इसका वेरिएबल बना लेती हूँ COMP, ठीक है, आगे डॉट नहीं आता है, ठीक है, वो मैं बाय मिस्टेक में लगा लेती हूँ। इनपुट और हम लिखेंगे एंटर द मार्क्स ऑफ, अब कितने सब्जेक्ट हो गए, 1, 2, 3, 4 फिफ्थ सब्जेक्ट हैं, हम फिज़िक्स लिख देते हैं, ठीक है, और ये PHY हम फिज़िक्स का वेरिएबल बना लेते हैं। लाइन नंबर 100 पर फिफ्थ सब्जेक्ट आ जाएगा, इनपुट
enter the marks of chemistry कर लेते हैं, right? ये और इसका वेरिएबल बना दें cm. अच्छा ये बात भी याद रखिएगा कि हम कभी भी कोई वेरिएबल रिपीट नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर के लिए भी CO कर लिया और मैंने केमिस्ट्री के लिए भी COM कर लिया, यानी कि अगर वेरिएबल रिपीट हो जाएंगे तो वो एरर आ जाएगा, हमारा आउटपुट ठीक नहीं आएगा. अब हम देखिए हमारे प्रोग्राम में हमने इनपुट का तो सारा काम कर लिया, अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है टोटल नंबर और परसेंटेज. तो इसका मतलब है कि हमें टोटल नंबर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. अब हम 110 पर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मार्क्स. ठीक है, टोटल मार्क्स क्या है हमारे पास, टोटल मार्क्स होंगे हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स. अब सब्जेक्ट हमने कौन कौन से लिए थे, हमने लिया था उर्दू, इंग्लिश के लिए हमने वेरिएबल, अब जो वेरिएबल हमने लिया होगा ना पीछे वही हमने यहाँ पर लिखना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा था, मैंने वेरिएबल कौन कौन से लिए थे, मैंने ENG, मैथ्स, उर्दू, COMP, PHY, केमिस्ट्री. अगर मैं ये वाले वेरिएबल नहीं लूँगी ना तो वो उनको वेरिएबल को ज़ीरो कंसिडर करेगा. तो जो हमने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं हम वही वर्ड्स राइट करेंगे. तो ये हमने फार्मूला राइट कर लिया, यानी कि तमाम टोटल मार्क्स में हमने तमाम सब्जेक्ट्स होंगे उन सबको क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया. लाइन नंबर 120 पर हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 120 पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज का हम लिख लेते हैं PER. अच्छा बेटा याद रखिएगा ये टोटल मार्क्स में स्पेस नहीं होगा, ठीक है, ये विदाउट स्पेस होता है, वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं आता. अब परसेंटेज के लिए मैं फार्मूला वो वेरिएबल ले लेती हूँ PER. अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है कि जो भी टोटल मार्क्स होंगे, ठीक है, उन टोटल मार्क्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे, उन्होंने हमें टोटल मार्क्स क्या बताए हैं 850, तो हम 850 के साथ डिवाइड कर देंगे. ये हो गए कैलकुलेट. अब हम इनको प्रिंट करवाते हैं. अब ये देखो जब तक हम प्रिंट नहीं करवाएंगे ना वो हमारी स्क्रीन पर नहीं आएगी. ये हमने फार्मूला तो अप्लाई कर लिया, कंप्यूटर ने उसको कैलकुलेट करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर दिया है, इन वेरिएबल में वो वैल्यू कैलकुलेट होकर स्टोर हो गई, लेकिन हमारी स्क्रीन पर नहीं आई. स्क्रीन पर हमारे सामने विजिबल होने के लिए हमने इसको यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट. ठीक है, जब तक हम प्रिंट नहीं करेंगे हमारी स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा वो काम. तो हम यहाँ पर पहले करेंगे टोटल मार्क्स, पहले हम टोटल मार्क्स को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, और फिर हम 140 पर प्रिंट करवा लेते हैं PER. ठीक है, और 150 पर हम कर देते हैं एंड. ठीक है बेटा. अच्छा बेटा एक और बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो बेसिक है ये वो केस सेंसिटिव नहीं है. स्मॉल लेटर लिखें, कैपिटल लेटर लिखें, डजंट मीन, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, ये नहीं होगा कि हम पीछे स्मॉल लेटर लिख रहे थे आगे यहाँ पर कैपिटल लेटर लिख लिया तो कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे पास. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया हमारे पास. अब आपका होम टास्क क्या है, आई एम राइटिंग हियर योर होम टास्क. आप लोगों ने खुद से ये प्रोग्राम राइट करने हैं विदाउट, ठीक है, आप लोगों ने इसको विदाउट अपने कॉपिंग आप लोगों ने इसको राइट करने हैं. प्रोग्राम नंबर मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ, प्रोग्राम नंबर 9 एंड प्रोग्राम नंबर 10 का पार्ट 9. इट्स योर होम टास्क, आप लोगों ने इसको करना है. बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में 8 मार्क्स का प्रोग्राम आ जाता है, सो ये मुफ्त के नंबर होते हैं. अगर आपको प्रोग्राम आएगा पूरे आप 8 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो. ठीक है बेटा, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.